चलिए आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? सर लव कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी आप किधर से हो? सर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। गिरिडीह से हो आप? इधर एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में कैसे पहुंच गए जी? सर एड देखे थे फेसबुक में। फेसबुक में एड देखे थे। चलिए आप इधर किस चीज का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयर का क्लास कंप्लीट किए हैं। क्यों मोबाइल रिपेयर का क्लास क्यों कंप्लीट किए हैं? सर इसमें हमको लगा कि आगे बढ़ने का है, मतलब इस फील्ड में हम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो हम अपना रोजगार चालू कर सकते हैं और डिमांड है। मतलब रोजगार तो बहुत सारा कर सकते हैं लेकिन इसका डिमांड थोड़ा क्रेज ज्यादा है, क्योंकि सिंपल सा चीज है, इंसान टीवी के बिना रह सकता है, घड़ी के बिना रह सकता है, फोन के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है ना। यदि उसको बोल देंगे एक टाइम का खाना नहीं दे पाएंगे, फोन में रिचार्ज रहेगा तब भी भूख उसका मिट जाता है, तो इसका क्रेज है, इसलिए आप इस चीजों का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है ना। तो चलो इधर आप मोबाइल रिपेयर का क्लास कंप्लीट किए हैं, तो जो क्लास आप फ्रेशर थे या काम करते थे? नहीं सर फ्रेशर थे। फ्रेशर थे तो चलो फ्रेशर थे तो आपके अंदर में भी कुछ प्रॉब्लम परेशानी था कि हम जा रहे हैं उतना फीस ले रहा है, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? जी सर ये तो कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन था तो इधर जब आप क्लास जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे कंफ्यूजन दूर होते गया कि नहीं होते गया? जी सर होते गया। जी चलिए आप अभी लगभग फोनों में काम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। यदि बीच में दुकान में काम करोगे उसमें तो कुछ नया नया और प्रॉब्लम आ सकता है, जो प्रॉब्लम आप यहाँ देखे भी नहीं हो, उसमें आप क्या करोगे? सर उसमें आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो? जी सर। मतलब सिंपल सा चीज, ये फील्ड ही ऐसा है कि हर दिन नया प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस समय आपको हार नहीं मानना, उस समय आपको हेल्प लेना है। आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक हेल्प लोगे तो इस फील्ड के बारे में आइडिया आ जाएगा और उधर हेल्प लेने का काम कम करना पड़ जाएगा, ठीक है? मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिए अब स्टार्टअप करोगे अपना? जी सर। कौन सा लोकेशन में आप स्टार्टअप करोगे? सर मेरा बिरनी पड़ता है। बिरनी पड़ता है उधर ये स्टार्टअप करोगे? चलो ठीक है आप इधर से जाकर के स्टार्टअप करो, दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगा तो इस चीजों के पूछते रहना है, आप पूछोगे तभी तो हम बता पाएंगे, है ना? चलो ठीक है कोशिश करना है जो भी क्वेश्चन रहे ज्यादातर क्वेश्चन शाम को पूछने के लिए, ठीक है? लेकिन यदि अर्जेंट रहे तो कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि देखते हैं क्लास लेकर कभी कभी कुछ स्टूडेंट का फोन आता है तो वो अर्जेंट है इसलिए क्लास के समय फोन करता है ना। तो चलो अब मिठाई खाते हुए जाओ और हमेशा मीठा मीठा रहो और अपना स्टार्टअप करो।